माता थी, दया माता। अनशन पर बैठ गई, अगर इस देश का नाम संविधान में भारत न हुआ भूखे मर जाऊंगी। जिन महापुरुष का मुझे सानिध्य हिमालय में मिला है, स्वामी आत्मानंद जी, वो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट थे और BHU हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, प्रथम बैच के स्नातक थे। बाल्मीकि जी के पर बहुत आस्था थी। दया माता ने उन्हीं आत्मानंद जी को अपना वकील बनाया। उन दिनों जब वो ब्रह्मचारी ही थे, एक घंटे में 70 रुपये फीस लेते थे। इतने बड़े तेज तर्रार वकील थे वो। आप भी LLB हैं मुझे मालूम है, इंजीनियर भी हैं, LLB भी हैं और साइंस के विद्यार्थी भी रहे, तीनों हैं। आत्मानंद जी ने जाके नेहरू जी से समय मिल गया। नेहरू जी से कहा कि एक भारत की माता मातृशक्ति अनशन करके मर जाएगी। वो हिंदी कम बोल पाते थे, अंग्रेजी बहुत बोलते थे। आत्मानंद जी अपना भाव अंग्रेजी में अच्छी तरह से व्यक्त कर पाते थे, हिंदी में कम। जबकि बिहार का शरीर था, भूमिहार कुल के वो थे। तब ब्रैकेट में कोष्ठक में भारत नाम रखा गया, तो जिन महापुरुष के प्रयत्न से कोष्ठक में सही भारत नाम आया, उन महापुरुष का मैं लाडला प्यारा रहा हूँ। मैंने संकेत दिया।